हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों चलिए आज मैं आपको कुंभलगढ़ फोर्ट घुमाती हूँ। दोस्तों आपने विश्व की सबसे लंबी दीवार द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार भारत में ही है? जी हाँ दोस्तों, भारत के राज्य राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित कुंभलगढ़ फोर्ट के बारे में मैं बात कर रही हूँ। इस किले की दीवार 36 किलोमीटर लंबी है और 15 फीट चौड़ी है। इस किले का निर्माण वीर योद्धा महाराणा कुंभा ने करवाया था। यह दुर्ग समुद्र तल से करीब 1100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कुंभलगढ़ का किला राजस्थान में झीलों की नगरी के नाम से मशहूर, उदयपुर के पश्चिम से लगभग 80 किलोमीटर दूर अरावली पर्वत मालाओं की गोद में स्थित है। महाराजा राणा और कुंभा द्वारा ये निर्माण करवाया गया था। कुंभलगढ़ महल महान योद्धा महाराणा प्रताप की जन्मभूमि है। ये किला एक प्राचीन विश्व धरोहर है। कुंभलगढ़ के किले को देखने के लिए दूर दूर से देशों के पर्यटक आते हैं। ये किला राजस्थान के विश्व प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण किलों में से एक है। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण पूरे होने पर महाराणा कुंभ ने सिक्के बनवाए थे जिन पर दुर्ग और इनका नाम अंकित किया था। लगभग 12 किलोमीटर के क्षेत्र में ये किला फैला हुआ है। कुंभलगढ़ दुर्ग कई घाटियों व पहाड़ियों को मिलाकर बनाए गए हैं जिससे यह किला अजय रहा है। इस दुर्ग में ऊंचे स्थानों पर महल मंदिर व आवासीय इमारतें बनाई गई हैं। कुंभलगढ़ किले के परिसर में देखने योग 350 से ज़्यादा प्राचीन मंदिर हैं और 13 गढ़ हैं। यह किला धार्मिक और पर्यटक स्थल दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये किला पर्यवेक्षण मीनार से घिरा हुआ है। ये दृश्य पर्यटकों को अपनी और आकर्षित करता है। महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध हारने के बाद भी काफ़ी समय इसी किले में दिन गुजरे थे। इस किले में महाराणा उदय सिंह का भी इतिहास है। पन्ना धाय ने उदय सिंह को इस किले में छिपाकर पालन पोषण किया था। जी हाँ, कुंभलगढ़ किले का सन 143 में राणा कुंभ ने जय निर्माण शुरू करवाया था। कुछ अजीब हुआ, निर्माण कार्य आगे नहीं बढ़ पा रहा था। निर्माण कार्य में बहुत सारी दिक्कतें आने लगी। राजा राणा कुंभा इस बात पर बहुत परेशान रहने लगे। फिर एक महान संत महाराजा से मिलने आए। संत ने राणा कुंभ को बताया कि निर्माण कार्य तभी आगे बढ़ेगा जब कोई नर स्वेच्छा से अपनी बलि के लिए खुद तैयार हो जाए। राणा कुंभा इस बात से और चिंतित हो गए और सोचने लगे कि आखिर कौन होगा जो इस बलि के लिए तैयार हो। तभी संत ने कहा कि महाराजा यह खुद बलिदान के लिए तैयार है और इसके लिए राजा से आज्ञा मांगी। संत ने कहा कि मुझे इस पहाड़ी पर चलने दिया जाए और जहाँ से रुकूं वहीं पे मेरी बलि चढ़ा दी जाए और वहाँ एक देवी माँ का मंदिर बनाया जाए। और संत चल पड़े। 36 किलोमीटर तक चलने के बाद रुके, जैसे संत का ठीक वैसे ही किया गया। संत सिर धड़ से अलग कर दिया गया। जहाँ पर उसका सिर गिरा वहाँ मुख्य द्वार हनुमान पोल है और जहाँ पर उसका शरीर गिरा वहाँ दूसरा मुख्य द्वार है। महाराणा कुंभा के रियासत में कुल 84 किले थे जिसमें से 32 किलों का नक्शा महाराणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया था। कुंभलगढ़ का किला भी उनमें से एक है। कुंभलगढ़ के किले की दीवार की चौड़ाई 15 फीट से ज़्यादा है। इस दीवार पे 10 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं और एक इस बात का भी जिक्र होता है कि महाराणा कुंभा ने इस किले में रात में काम करने वाले मजदूरों के लिए 50 किलो घी और 100 किलो रुई का प्रयोग करते थे, जिनमें
बड़े बड़े लैंप जलाकर प्रकाश किया जाता था। कुंभलगढ़ के किले के बनने के बाद ही इस पर आक्रमण शुरू हो गए थे। इतिहास के अनुसार एक बार को छोड़कर ये किला हमेशा अजय ही रहा है, लेकिन इस दौरे के बहुत सी दुखांत घटनाएं भी हैं, जिस महान योद्धा महाराणा कुंभा को कोई पराजय की कर ही नहीं पाया था। वही महाराणा कुंभा इसी किले में अपने पुत्र उदय कर्ण द्वारा राज लिप्सा में मारे गए थे। तो जानते हैं इस किले से जुड़ी अन्य कुछ रोचक बातें। 15वीं सदी में महाराणा प्रताप का जन्म इसी किले में हुआ था। महाराणा कुंभ से लेकर राज सिंह का परिवार कुंभलगढ़ किले में रहता था। राणा कुंभा ने किले का निर्माण शुरू किया था। सुरक्षा के मद्देनजर यह दीवार बनवाई गई थी, लेकिन दुर्ग की दीवार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। चिंतित राजा ने एक संत से इसका हाल पूछा तो उसने मानव बलि देने को कहा था। संत ने कहा था कि पहाड़ी पर चलने दिया जाए और जहाँ पे वो रुके वहीं पे बलि दिया जाए। तो महल में बनी एसी के ही बिना रहती है ठंडक। जी हाँ, बादल महल को बादलों में महल के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खासियत यह है कि इसकी बनावटी में इसमें बिना एयर कंडीशन के ही ठंडक का एहसास होता है। यह कुंभलगढ़ किले के ऊपर स्थित है। इस महल में दो मंजिलें हैं और यह पूरा भवन अंदर से जुड़े हुए मर्दाना महल और जनाना महल में विभाजित है। 36 किलोमीटर की ये दीवार भारत में सबसे लंबे किले की दीवार मानी जाती है। सुरक्षा के लिए इसका निर्माण हुआ था। यहाँ का लाइट एंड साउंड शो है सबसे फेमस। किले के अंदर प्रवेश के लिए 7 द्वार बने हुए हैं, जिसमें राम द्वार, पग्र द्वार, हनुमान द्वार आदि फेमस है। कुंभलगढ़ किले के अंदर कुल 360 मंदिरें का समूह है, जिसमें 300 जैन मंदिर है और 60 हिंदुओं के मंदिर हैं। इसमें नीलकंठ महादेव के मंदिर का महत्व अन्य मंदिरों से ज़्यादा है। इस मंदिर के पास देर शाम होने वाले लाइट और साउंड शो की अपनी एक अलग पहचान है। शो में बेहद खूबसूरती से कुंभलगढ़ किले के पूरे इतिहास के बारे में बताया जाता है। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़, घोड़ों की दौड़ने और बंदूकों की गोलियां की आवाज आज भी लोगों को प्राचीन समय का आभास कराता है। हालांकि इन दिनों दुर्ग पे अंधेरा होने से रात को यहाँ आने वाले पर्यटक मायूस लौट रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी कुंभलगढ़ फोर्ट से रिलेटेड। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी मज़ा आया होगा इस वीडियो में कुंभलगढ़ फोर्ट को देखकर, और हो सके तो आप इस फोर्ट को विज़िट ज़रूर करना। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और पास ही दिखेगा एक छोटा सा बेल बटन, उसे दबाना ना भूलें, ताकि मेरी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। तो चलिए आगे भी देख लेते हैं हमारे इंट्रोडक्शन, लेट्स गो। वी आर एट कुंभलगढ़ फोर्ट। एज यू कैन सी देयर इज फोर्ट हियर, दिस इज सराउंडिंग एंड वी हैव विद अस, से योर नेम। Say your name. Adarsh Sharma. Very nice. Hello, Nidhi. Hi, Anu. And I am Rajesh. So, we have gone around seeing the fort and it is really awesome. How did you like the place? Nice. Nice? Nice?